स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अर्थात समानता की प्रतिमा के बारे में बात करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सिटिंग स्टैच्यू है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची सिटिंग स्टैच्यू द ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड है। द ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड स्टैच्यू की कुल ऊंचाई लगभग 300 फीट है, जो कि 92 मीटर के बराबर होता है। और इसके पहले दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सिटिंग स्टैच्यू चाइना में था, लेकिन अब भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण हो जाने के कारण इसने चाइना के ग्वानिन ऑफ माउंट शिकियाओ को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि ग्वानिन ऑफ माउंट शिकियाओ की ऊंचाई लगभग 62 मीटर है। अतः भारत का स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी चाइना के ग्वानिन ऑफ माउंट शिकियाओ से लगभग 3.8 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सिटिंग स्टैच्यू बन चुका है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य के नाम पर है। इस स्टैच्यू की ऊंचाई लगभग 216 फीट है, जो कि 65.84 मीटर के बराबर है। इसके साथ ही इस स्टैच्यू के पास 108 मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इस स्टैच्यू के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ से अधिक की राशि को खर्च किया गया है और इसका निर्माण तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के नज़दीक किया गया है। और सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इसका उद्घाटन हो चुका होगा। अब इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जिसके बारे में सोनू आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज सोनू भाई को भी आप लोग सपोर्ट करें। इस प्रतिमा के उद्घाटन होने के समय तक चिन्नाजीयर स्वामी ने कई बार इसका जायजा लिया। यह पूरा प्रोजेक्ट चिन्नाजीयर की परिकल्पना है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। सबसे पहले स्वामी रामानुज जी के स्टैचू को डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद इसे 3D में भी डिज़ाइन करवाया गया। इसके बाद 10 फीट मिट्टी की 14 प्रतिमा बनाई गई। इसके बाद फिर इसे 3D और फाइबर में भी बनवाया गया, जिसका डिज़ाइन चीफ आर्किटेक्चर आनंद साई एंड प्रसाद स्थापति के टीम द्वारा बनाया गया। इसमें दो बड़े बड़े विशाल काय प्रतिमा का भी ट्रायल किया गया। अंत में 216 फीट के थर्मोकोल के स्टैचू का ट्रायल किया गया। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन के यूज़ के बाद फाइनली स्वामी चिन्नाजीयर ने इसे मंजूरी दिया। यह स्टैचू पंच धातु से बनी है, अर्थात जिसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जिंक का उपयोग हुआ है। 216 फीट ऊंची यह प्रतिमा के कंप्लीट होने के बाद इसे कास्टिंग और फिटिंग के लिए इसे चाइना भेज दिया गया। इस परिसर में कुल 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसको सोपान मंडप का नाम दिया गया है। अब हम इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस स्टैचू की कुल लंबाई 216 फीट है। कमल के फूल से रामानुजाचार्य स्वामी जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। त्रिदंडम अर्थात जो संत रखते हैं, इसकी ऊंचाई 135 फीट है। कमल का आधार जिस पर मूर्ति सिचुएटेड है वह 27 फीट ऊंची है। भद्रवेदी जहां स्वामी रामानुज जी की 120 किलोग्राम सोने की प्रतिमा रखी गई है, उसकी ऊंचाई 54 फीट है। इसमें कुल 18 शंख और चक्र हैं। कमल में कुल 54 पत्तियां हैं। कमल के नीचे टोटल 36 हाथी हैं। इस पूरे मूर्ति को इन्हीं हाथियों पर रखा गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हाथियों के सूंड में से पानी निकलेगा, अर्थात एक वाटर फाउंटेन भी बनाया गया है। इसीलिए ताकि यह मूर्ति पंच धातुओं से बना है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। रामानुजाचार्य स्वामी के 120 साल के जीवन के सम्मान के लिए 120 किलोग्राम सोने की मूर्ति आंतरिक भद्रवेदी में स्थापित की गई है, जहाँ प्रतिदिन अभिषेक, पूजा एवं आराधना की जाएगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रतिमा को ऐसे बनाया गया है कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या साइक्लोन आ जाए तो इस मूर्ति पर कोई फर्क ना पड़े। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भूकंप के रिक्टर स्केल 9 पॉइंट और साइक्लोन की स्थिति में 300 किलोमीटर प्रति घंटा के तूफान को झेल सकता है। 200 एकड़ में फैली हुई ये मंदिर, इसमें कुल छोटे बड़े 108 मंदिर भी बनाए गए हैं, जहां 325 के आसपास देवी देवताओं की मूर्तियों का भी स्थापित किया गया है। इस परिसर में टोटल 468 पिलर हैं। यह प्रतिमा जीयर ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है, जिसमें देश विदेश से डोनेशंस भी आए हैं।
निर्माण स्थल के समीप एक एजुकेशन गैलरी का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वामी रामानुजाचार्य जी के जीवन के प्रसंगों को दिखाया जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर की दूरी मुचिंतल में स्थापित किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी क्यों पड़ा। 1000 वर्ष पहले रामानुज स्वामी ने भारतीय समाज में बदलाव की कोशिश की थी। उस वक्त अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म पर पूरा देश चलता था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़े लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया था और उनके समानता के लिए इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी रखा गया है। अब कुल मिलाकर बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी अर्थात समानता की प्रतिमा शास्त्र का, सौंदर्यता का और साथ साथ हमें एक मिलकर रहना सिखाता है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।